प्रकृति के संरक्षण के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने हैदराबाद के शांति सरोवर से कल्पतरु प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस पहल को प्रोत्साहन देने के लिए सांसद संतोष कुमार शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पहुंचे और परिसर के डायरेक्टर बीके कुलदीप दीदी, वरिष्ठ सदस्य बीके वामसी भाई के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और इस प्रोजेक्ट के मास मूवमेंट की अपील की। आपको बता दें, सांसद संतोष कुमार ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं से काफी प्रभावित हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था का बैच सदा अपने कार्यस्थल पर लगा कर रखते हैं। पहले दिन ही आते ही उनको बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा बैच देख करके भाई साहब ने सबसे पहला अधिकार बोला, मुझे एक ही चीज चाहिए, आपके जैसा बैच लगा दो। तो हमने वैसे बताया 5 वर्ष के बाद हम लोगों को मिलता है, तो भाई साहब ने 50 साल तक सेवा करने की कमिटमेंट की हुई है। तो हमें बहुत खुशी है क्योंकि ऐसे जो कहना कुछ करना कुछ ऐसा नहीं है, जो सदा करके दिखाने वाले हैं और इनके संकल्प में इतनी दृढ़ता, जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे इस कार्यक्रम से पूर्व शांति सरोवर में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा बेहतर शासन के लिए मूल्य और आध्यात्मिकता विषय पर भव्य पब्लिक प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसमें लीगल बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के उपाध्यक्ष ईश्वर्या रेड्डी, इंडियन बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख आई चंद्र प्रकाश, प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, राजस्थान क्षेत्र संयोजिका बीके पूनम, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने व्यवहारिक चर्चा की। The soul which is enters into your body. See, everybody is having names. The name is only for the body. Okay, the soul enters into your body and it allows you, it permits you to experiment this life, to enjoy everything. Once the soul goes out, nameless, it's a body. So that is there. See, the soul, what is inside of you, it has to be honored. Spirituality is simply living by the spirit. Living by the spirit. What is that spirit? That spirit is you. Whatever we study, say economics, law, MBBS or MD or some other subject, any subject, it is only helpful only to the extent of only taking decision relevant to that subject. But how we take that decision, why we should take that decision, to whom it is going to be helpful, there, unless values and spirituality intervenes, our decisions cannot be a full-fledged decision. Values are the real treasure of our life. Aaj vyakti ke paas kitna bhi dhan ho, kitna bhi bada mahal ho, gaadi ho, sab kuch ho, lekin unke jeevan mein agar values nahi hai to log usko pasand nahi karenge. To real hamare jeevan ki jo khazana kaho ya beauty kaho, wo values. The reality of spirit, spirituality, if you put a hyphen between spirit and reality, the reality of the spirit is, the spirit is IAS and IPS. IAS means I am a soul. Yeah. कार्यक्रम का समापन राजयोग मेडिटेशन की कुछ देर के अभ्यास से हुआ। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम।